जातिवाद में कितना किसे ने बांटा है कांग्रेस ने, धर्म में किसे ने बांटा है कांग्रेस ने, 52 साल में ही तो बटे हैं। और जब से मोदी जी आए थे ना 2014 के बाद, बताओ कौन सा भेदभाव हुआ है। योजना का सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम को मिला है, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैंने देखा है खुद, हमने खुद आवास बनवाए हैं लोगों के। बाबा ने 7 साल में जो काम किया है ना उत्तर प्रदेश में, ना बहन जी कर पाई, ना कलेजी कर पाई, ना मुलायम जी कर पाई, तीनों कार्यकाल दिखाए मैंने। तो वो तो गुंडागर्दी चरम पे थी, वहाँ बुरा हाल था। और आज बाबा के टाइम पे नहीं सकून तो टेंशन फ्री इंसान खुले की वार सोता है पड़ के। खराब कर दी, अब सही थी तो किसने की खराब? बाबा ने तो खराब उन्हें करा है जो साले बदमाश थे, आधों को प्रवेश दिया, कुछ जमीन के नीचे हैं। बाबा ने तो बहुत अच्छा किया है उत्तर प्रदेश का, मैं बताऊं दुनिया के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री तो होगा नहीं कोई जैसे बाबा हैं। ये 2.5 लाख रुपए जो बीजेपी सरकार ने यूपी में दिए हैं, 50 तो मेरी निगाह में है बुलंदशहर में जिन्होंने लिए हैं, मैं 50 में से 49 गारंट ले रहा हूँ। उन्होंने बीजेपी को बाबा को वोट करा हो, मैं घर तक वाकिफ हूँ उनके। और ऐसा भी हुआ है कि 100 गज के प्लॉट के 2 बेनामे करें दो भैया उन्हें, और उनसे 2.5 लाख 5 लाख रुपए लिया है, मकान बन गया। लेकिन जब वोट देने का नंबर आया तब भैया वोट ना दें। किसी से उसका नाम पूछना क्या बांटने की राजनीति होती है? आपका अगर आपसे नाम पूछूंगा मैं तो मैं आपको बांट रहा हूँ? मुझे नहीं पता आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, लेकिन मैं नाम पूछूंगा ना? नाम इंसान का पहचान होता है या नाम बांटने वाला काम होता है? अरे भैया किसी का नाम इमरान है तो किसी का नाम इंद्रेश है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफ्ताब राणा। आफ्ताब जी, योगी जी का फरमान आया उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को स्वीकार है, पर भाईजान नाराज हैं। क्यों नाराज है, क्या वजह है? भाईजान के नाराज होने से क्या, हम तो खुश हैं ना। हाँ, हम तो खुश हैं उनका। हाँ तो फैसला भाई सुना, आपने मुझसे नाम पूछा, मैंने नाम बताया आपको, आफ्ताब है मेरा नाम, जो भी पूछा मैं बताऊंगा। उसमें आने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या कह रहा छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? नहीं, क्या छुपा रहे, कोई कुछ नहीं छुपा रहा है। अब जाहिर सी बात है, मेरा नाम आफ्ताब है, मैं आफ्ताब लिखवाऊंगा, किसी का नाम दीपक है वो दीपक लिखवाएगा, ये थोड़ा का है खाली लिखवाना है, लिखवाने में क्या प्रॉब्लम है? तो सवाल है, दिक्कत तो कुछ नहीं है, पर राजनीति हो रही है इस बात पे, बांटना चाह रहे योगी सरकार, पहले हिंदू मुसलमान करेगी फिर जातिवाद करेगी। देखो कहाँ है हिंदू मुस्लिम, कहाँ हुआ है कोई योजना में भेदभाव नहीं आ सकते? योगी ने तो हिंदू मुस्लिम होली ना दी। जो बाबा ने 7 साल में जो काम किया है ना उत्तर प्रदेश में, ना बहन जी कर पाई, ना कलेजी कर पाई, ना मुलायम जी कर पाई, तीनों कार्यकाल दिखाए मैंने। तो वो तो गुंडागर्दी चरम पे थी, वहाँ बुरा हाल था। और आज बाबा के टाइम पे नहीं सकून तो टेंशन फ्री इंसान खुले की वार सोता है पड़ के। और लाइट भी ना माँ एक हफ्ते दिन में आती थी, एक हफ्ते रात में आती थी, ये मैंने देखा है। और सबसे बड़ी बात, और दूसरी बात है क्या है, पहरे दिलते थे वहाँ पे के नीचे हैं, सारे भेज दिए बाबा ने। जो घर गिराए जा रहे हैं बुलडोजर से, जो किसका गिर रहा है? नहीं, अपराधियों का, लोगों का गिर रहा है भैया, किसका गिर रहा है? अपराधियों का है। एक बात तो बता दो, अभी गरीब लोगों का गिर रहा है ना, सुनो गरीब का किसका गिरा है? आप एक अरे भाई एक अवैध बताइए किसका गिरा है, बेकसूर का बता दीजिए, मुख्तार अंसारी बेकसूर था राजा हैं। अभी एक हमारे ननिहाले के राने में एक मुस्लिम है, नहीं कैंची मार दी उसे, बड़ा फर्क पड़ता है। कानून व्यवस्था जो संभाली है वो योगी जी ने संभाली है, बाकी और किसी पे कानून व्यवस्था पहले नहीं संभली, पहले नहीं था ये सब, अब जो योगी जी ने करके दिखाया है। और देखो विपक्ष तो भैया हल्ला मचाएगा ही, योगी जी सब्सिडी लेने के टाइम पे, आवास लेने के टाइम पे, सिलेंडर लेने के टाइम पे कोई जात बिरादरी ना है, जब फ्री का माल मिल रहा था सब ले लो जेब में, और जब वोट का देने का नंबर आया अखिलेश, अरे मोदी योगी क्यों वोट दे, हम तो अखिलेश के आदमी है यार, अरे अखिलेश के आदमी तो अखिलेश चले फिर आवास। भाई साहब जिसका खाओ उसका गाओ, आदमी किसी 50 रुपये भी दे दे पूरी याद दिन या पूरी जिंदगी याद रखेगा एहसान कराया, लेकिन सिलेंडर लो, आवास लो, सारी सब्सिडी लो, सरकारी हॉस्पिटल पहुंच जाओ, सारे इलाज फ्री करवाओ। बांटना की जो बांटने की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश में, कहा जा रहा है कि बांटना चाह रही है, पहले जातिवाद में बांटेगी फिर धर्म, पहले धर्म बांटेगी फिर जाति बांटेगी। जातिवाद में कितना किसे ने बांटा है कांग्रेस ने, धर्म में किसे ने बांटा है कांग्रेस ने, 52 साल में ही तो बटे हैं। और जब से मोदी जी आए थे ना 2014 के बाद, बताओ कौन सा भेदभाव हुआ है। योजना का सबसे ज़्यादा लाभ मुस्लिम को मिला है, मैं एक मुस्लिम हूँ, मैंने देखा है खुद, हमने खुद आवास बनवाए हैं लोगों के।
हमने खुद आवास बनवाए हैं, आप शौचालय देखिए, उज्जवल योजना देखिए, भारत सरकार की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान कार्ड 5 लाख रुपए से ट्रीटमेंट की योजना, मान नाम पूछ हो रहे हैं, और राशन देखिए आप, और सबसे बड़ी बात है मेन चीज है कानून व्यवस्था दुरुस्त। अब यह फरमान आने के बाद से मुसलमानों की स्थिति और खराब होगी, पहले खराब थी, पहले खराब थी, अब सही है, पहले खराब थी कांग्रेस के टाइम पे हमारी स्थिति खराब थी कांग्रेस के टाइम पे, अब सही है, अब सही है, पहले खराब थी 2014 फिर खराब कर दी, अब सही थी तो किसने की खराब? बाबा ने तो खराब उन्हें करा है जो साले बदमाश थे, आधों को प्रवेश दिया, कुछ जमीन के नीचे है, बाबा ने तो बहुत अच्छा किया है। उत्तर प्रदेश का मैं बताऊँ, दुनिया के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री तो होगा नहीं कोई जैसे बाबा है। क्या खूबी उनके अंदर भाई? बाबा ने दंगा मुक्त, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है आज वो, उत्तम प्रदेश है। बाबा ने जो काम किया है ना, जो बाबा का कार्यकाल देखे आप, वो आप उठा के बदमाशी कहाँ है माँ बताइए आप? पहले ना साला नेता भी कुर्ता पजामा पहन के क्लब का दरोगा को भेदभाव हो रहा है, लोग सवाल कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भेदभाव हो रहा है। भैया सबसे ज्यादा आप उठा के देखिए, उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनता है, सबसे ज्यादा आवास नहीं मुस्लिम के मिले हैं, मुस्लिम के बने हुए आवास, शौचालय देखिए, उज्जवल योजना देखिए, गरीब बेटों की शादी देखिए, सबसे ज्यादा तो मुस्लिम को मिला, आप उठा के देखिए। ये 2.5 लाख रुपए जो बीजेपी सरकार ने यूपी में दिए हैं, 50 तो मेरी निगाह में है बुलंदशहर में जिन्होंने लिए हैं, मैं 50 में से 49 गारंट ले रहा हूँ उन्होंने बीजेपी को, बाबा को वोट करो हो, मैं घर तक वाकिफ हूँ उनके। और ऐसा भी हुआ है कि 100 गज के प्लॉट के 2 बैनामे करें दो भैया उन्हें, और उनसे 2.5 लाख रुपए लिया है, मकान बन गया, लेकिन जब वोट देने का नंबर आया तब भैया वोट ना दें, 5 लाख गाते में आ गए ना, अपना मजे लो। भैया सुनो, गलती पॉलिटिकल की इन नेताओं की नहीं है, गलती हमारी है, हम लोग खा के भूल जाते हैं जी, हम लोग काम भूल जाते हैं नेताओं का। नगीना में जिस प्रकार से वहां पर कांवड़ियों के ऊपर हमला हुआ है, क्या कहेंगे इस विषय पर? सर देखिए, ये एक वही मानसिकता है जो हमेशा सनातन विरोधी रही है, सनातनियों के खिलाफ रही है, और हमेशा कभी हमारे कांवड़ियों पर पथराव होता है, कभी राम जी की झांकी पर पथराव होता है शोभा यात्रा पर, कभी हनुमान जी की शोभा यात्रा पर पथराव होता है। इस मानसिकता को कुचलने का सही वक्त आ चुका है, सरकारों को उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और नगीना में बेशक हुआ है, लेकिन नगीना आता उत्तर प्रदेश में ही है, और माननीय योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, वो इनका बहुत अच्छे से इलाज कर देंगे। अब आता हूँ इस बात में, यहाँ चंद्रशेखर रावण ने इस बात को ट्विस्ट करके बोला था कि अगर ये नाम होगा और वहाँ कांवड़िए हमला ना कर दें, इस तरीके से वहाँ पर भी उसने सनातन को बदनाम करने की कोशिश करी, और आज उन्हीं कांवड़ियों पर हमला हो जाता है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। मुझे शक है कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण का इसमें हाथ ना हो, क्योंकि ये चंद्रशेखर रावण वही है जो आज कांवड़ का विरोध कर रहा है, कांवड़ियों को बोल रहा है कि वो हमला कर सकते हैं, जबकि एक समय था ये चंद्रशेखर रावण खुद जाता था कांवड़ लेने, ये खुद गया है कांवड़ लेने, ये लोगों को भड़काता है, और ये आज सांसद बन गया है इसलिए इतना फूल रहा है, और इसके बयान की जाँच होनी चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है तभी कांवड़ियों के ऊपर पथराव हुआ है। सीधी सी बात, प्रदेश में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, कहा जा रहा है उनको अपने दुकान के आगे नेम प्लेट लगाने के लिए, क्या ये बांटने की राजनीति नहीं है? सर किसी से उसका नाम पूछना क्या बांटने की राजनीति होती है? आपका अगर आपसे नाम पूछूंगा मैं तो मैं आपको बांट रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, लेकिन मैं नाम पूछूंगा ना, नाम इंसान का पहचान होती है होता है या नाम बांटने वाला काम होता है? अरे भैया किसी का नाम इमरान है तो किसी का नाम इंद्रेश है, किसी का नाम पंकज है तो किसी का नाम पवन है तो किसी का नाम सोहेल है, इसमें नाम से मुझे नहीं लगता कि बांटने जैसा कुछ है। विपक्ष ऐसा कह रहा है क्योंकि अपनी सोच है। सर विपक्ष का तो काम है कि किसी भी तरीके से बरगला कर देश में दंगे करा दे, आपस में लोगों को लड़वा दे, उनका तो कुछ जाएगा नहीं, दंगे में मरेंगे आम लोग, दंगे में मरेंगे आम लोग हमारे तुम्हारे जैसे, और वो भड़का कर चले जाएंगे। सीधी सी बात ये है, आपसे ये बोला गया है चाहे आप हिंदू हो मुस्लिम हो जैन हो सिख हो बौद्ध हो ईसाई हो पारसी हो कुछ भी हो, आप दुकान चलाते हो उस पर अपना नाम लिख दो, मुझे नहीं लगता कि इसमें क्या दिक्कत है। मैं गाड़ी लेने जाऊंगा तो अपने नाम से लूंगा, मैं होटल में रुकूंगा तो अपने नाम से रुकूंगा, मैं कोई सामान खरीदूंगा तो अपने नाम से खरीदूंगा, तो मैं दुकान आपके नाम से क्यों चलाऊंगा भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आता। और नाम तो सम्मान की बात होती है, किसी के भी माँ बाप उसका नाम इसीलिए रखते हैं ना कि वो उसकी पहचान है, और नाम तो सम्मान की चीज़ है। आप अपना क्या आप अपने नाम से प्यार नहीं करते? मैं आखिर छिपाना क्यों चाह रहे हैं? यही तो परेशानी है कि छिपाना क्यों चाह रहे हैं?